भविष्य में टाइम ट्रेवल बनाना चाहता हूँ, जिससे उसमें आना जाना जा सके दूसरी दुनिया में। यूं तो आपने बड़े बड़े धुरंधर वैज्ञानिकों को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी उम्र 7 साल है। इस बच्चे ने भविष्य का डॉक्टर बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसने शुरुआत एक छोटी सी इलेक्ट्रिक गाड़ी से की है। आज पहली बार इस बच्चे ने एक गाड़ी बनाई है जिसमें सेल और मशीन लगाकर दो पहिया वाहनों पे ये चलाई है। हो सकता है भविष्य का ये एक दो पहिया कार घोषित हो जाए। आने वाले भविष्य का तो किसी को पता भी नहीं है, लेकिन इस बच्चे की जो ख्वाहिश है, इसका सपना है कि देश का एक दिन बड़ा वैज्ञानिक बनना। वैज्ञानिक भी ऐसा जो बहुत बड़े आविष्कार कर सके, भविष्य की जो कल्पना हम नहीं कर सकते, वो कल्पना ये बच्चा अपने अंदर देख रहा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करना चाहता है जो इसे पूर्व से पास्ट में ले जा सके और पास्ट से पूर्व में ले जा सके। एक ऐसी मशीन इस बच्चे का सपना है तैयार करने का जो टाइम ट्रेवल मशीन को बता दे। इस बच्चे का नाम है शुभम सिंह और ये खांसी के वार्ड नंबर 1 4 कुतुब में रहता है। इसके बच्चे के जो पिता हैं वो एक पेंटर है और इसकी जो माता है वो गृहिणी है। चलिए बात करते हैं शुभम से, क्या कहना है इस आविष्कार के बारे में इस बच्चे का। ये जो गाड़ी में से काट लिया है और ये मोटर है ना, ये मोटर में से मोटर लगा के और सेल लगा के और तार लगा के उसमें सेट कर लिया है। तार लगा के और फिर ये चलने लगी है। और क्या क्या बनाया? और ये बनाया और बनाएंगे। क्या बनाना है? एक घूमने वाला जहाज बनाएंगे। और क्या है? बड़ा वैज्ञानिक। वैज्ञानिक? हाँ, वैज्ञानिक बनने का। हाँ अच्छा, तो आज ये क्या क्या गाड़ी बनाई है? ये गाड़ी बनाई है, चलने वाली, मोटर से और सेल से चलने वाली गाड़ी बनाई है। मैं भविष्य में टाइम ट्रेवल मशीन बनाना चाहता हूँ, जिससे उसमें आना जाना जा सके दूसरी दुनिया में। हम आशा करते हैं कि भविष्य में शुभम एक इतना बड़ा वैज्ञानिक बने जिसका कोई सामना ना कर सके और भारत का नाम इतना रोशन करे कि पूरी दुनिया के अंदर भारत एक अलग ही सितारे के रूप में इस बच्चे के आविष्कार से चमकता हुआ नजर आए। इसी मंगल कामना के साथ आप देखते रहिए ANT नेशनल। आप देखते रहिए ANT नेशनल, खबर वही जो हो सही।